इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड में है, जहां पर कोरोना की तीसरी लहर की आहट। सिर्फ एक महीने में 5,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। 0 से लेकर 9 साल तक के उम्र के बच्चे तेजी से संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टरों ने अलर्ट किया है, वक्त रहते बच्चों के लिए सरकार जो है वो कदम उठाए। देखिए, तीसरी लहर की बात की जा रही थी, बच्चों के लिए खतरनाक होगी, लेकिन दूसरी लहर में ही अभी कह रहे हैं डॉक्टर स्पीक नहीं आया। बावजूद इसके उत्तराखंड में लगातार ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें बच्चे जो है वो कोरोना संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर का कहर झेल रहा है, लेकिन लगता है कि देवभूमि उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। जी हाँ, माना जा रहा था कि कोरोना की तीसरी लहर सितंबर के बाद आएगी, तब तक कोरोना की दूसरी लहर शांत हो चुकी होगी और तीसरी लहर में वायरस के टारगेट बच्चे होंगे। उत्तराखंड में 9 साल से कम उम्र के बच्चे तेजी से कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में पिछले 10 दिनों में 9 साल तक के 1,000 बच्चे कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से सैकड़ों बच्चे अस्पताल में भर्ती कराए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में 14 मई तक 0 से 9 साल की उम्र के 5,000 से ज्यादा बच्चे कोविड संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जबकि इस साल 1 अप्रैल से अब तक 2100 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। उत्तराखंड में कोरोना की मार सिर्फ 9 साल से कम उम्र के बच्चों पर ही नहीं पड़ रही। रिपोर्ट के मुताबिक 10 से 19 साल के आयु वर्ग के 4,000 से ज्यादा बच्चे और वयस्क भी पिछले 10 दिन में संक्रमण की चपेट में आए हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए फौरन कदम उठाने की जरूरत है, वरना बाद में हालात हाथ से निकल जाएंगे। बच्चों के संक्रमण के ज्यादातर केस उनके परिजनों या पेरेंट के संक्रमित होने की वजह से हो रहे हैं। उत्तराखंड में इस साल बच्चों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि 2020 में पूरे एक साल के दौरान सिर्फ 2,131 बच्चे संक्रमित हुए थे, जबकि इस साल 2021 में सिर्फ एक महीने में करीब 3,000 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच 264, 16 से 30 अप्रैल के बीच 1,053 और 1 मई से 14 मई के बीच 1,618 बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इस साल उत्तराखंड में बच्चों में कोरोना संक्रमण बड़ों के आंकड़ों को टक्कर दे रहा है। सूबे में इस वक्त 10 से 19 साल के आयु वर्ग के कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 21,587 है, जबकि 60 से 69 उम्र के आयु वर्ग के 22,592 मरीज पाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उत्तराखंड में रहने वाले लोगों के लिए ये खबर जो हमने दिखाई थी, अब इस पर हम बातचीत करते हैं। हितेन लगातार बने हो। हितेन, उत्तराखंड के लिए तो बड़ी आफत वाली खबर है, चूंकि मासूम बच्चों को भी अब कोरोना नहीं छोड़ रहा है, सरकार कैसे निपटेगी उत्तराखंड की? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा सवाल है उत्तराखंड सरकार के सामने, क्योंकि अभी भी बच्चों की वैक्सीन आने में जो है 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जो है डीजीसीआई ने कोवैक्सीन को जो है अप्रूवल दिया है कि बच्चों के लिए वो वैक्सीन बनाए, और 28 दिनों का गैप रखकर वो 2 डोज का ट्रायल जो है वो कोवैक्सीन को करना होगा। यानी कि 2 से 3 महीने का वक्त जो है अभी भी कोवैक्सीन को लगेगा, भारत बायोटेक को लगेगा उस वैक्सीन को बनाने में। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सभी सरकार के लिए, सिर्फ उत्तराखंड सरकार नहीं, उत्तराखंड से तस्वीरें निकलकर सामने आई है, अगर वो थर्ड वेव सही में अगर वो आ चुकी है, अगर भारत के अलग अलग राज्यों में ये फैलना शुरू हो गई, तो सिर्फ भारत सरकार के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी कि आखिरकार बच्चों को किस तरीके से सुरक्षित किया जाए। लेकिन कई राज्यों से खबर मिल रही है बच्चे अब संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, और फर्स्ट वेव में जिस तरीके से बच्चे शिकार हुए भी थे तो जल्द रिकवर कर रहे थे, लेकिन इस बार स्थिति जो है वो अलग है। तो अब तीसरी लहर की जो बात कही जा रही थी, क्या उसने दस्तक दे दी है या फिर ये दूसरी लहर में ही बच्चे जो है वो संक्रमण का शिकार हो रहे हैं? लौटेंगे आपके पास इतने, बने रहिए इस वक्त।